कार्यालय के नाम वीर कुंवर सिंह रही, कार्यालय के नाम वीर कुंवर सिंह रही, और धर्मशाला जनवरी होकर नाम भिखारी ठाकुर के नाम से कला और संस्कृति के हो चीज चली। सबका बात आता लाइब्रेरी हमने का खोलब जा जो गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर है। आज अगर जिस कौनो समाज के उन्नति हुई तो साहित्य के लेकर के उन्नति हुई, समाज के उन्नति साहित्य से होला। अब हमने का साहित्य में कम बनी जा, हमने के गाना के वही फिल्म बन रहा बा, हमने के मातारी लोग ऐसी बहन लोग बैठल बा लोग कतना ही लोग जानता लोग, अगर जब पहले हमने के दादी लोग ना बतौले हो, नानी लोग ना बतौले हो, तो आजकल लोग खाली कैसेट लगा दिल लोग मोबाइल में से गाना सुनी ले लोग हो गए। अभी हम कनिया धरतम धरतम नौ टका धरतम नहीं तो बर कनिया ऊपर पड़ता हूँ। पहले हमने के दादा पर दादा कतना अच्छा रहे लोग कि घर बनी चारों ओर से आ बीच में आंगन बनी, लामे लामे बसवा कटाई हो बाबा। अब तो हाथी हाथी छाकुन लिया जाता आकरा के बस मंत्र दिया गई आकरा बाद से थोड़ी देर में शादी हो गई, रुआ रुआट भई चल गई जा होने आ झाड़ू लगाओ। अरे तुम अपनी संस्कृति को झाड़ू लगा रहे हो, अपना संस्कृति के हमने के झाड़ू लगा रहे बानी जा, हमने के माई बहन के जौन लोग गीत बा ओकर कहाँ मुकाबला बाजी, हर प्रकार के गीत बारी सगल, लेकिन आज वो सब खत्म हो रहा बा। काहे कि हमने के संस्कार हमने के अपना घर से शुरू होला, घर से नहीं खींचा सीखा। और आपके संस्कार टीवी से शुरू होता, टीवी में देखा आदमी की एक लात लगा देते है लोटा में के चाउर गिर जाए, अरे अन्न के तेल लाते मरबे रे। हाँ हमने के सिस्टम बोला कि हमने का ऐसे लड़की चावर के पीछे से करे ले महतारी आचर में रोके ले, ये तरीका से ओकर जबैती रहला। ओकरा खातिर हमने का विचार कर ले बनी जा कि जितना आज आदमी आई बनी जा सब एक एगो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है अपना अपना एरिया के। हाँ ओकर आज कमिटी बनी, कमिटी में का बनी धाम निर्माण कमिटी हो, एकरा में हमने का ट्रस्टी बनाई जा। आ ट्रस्टी के मतलब ये हो जाता कि जौन आदमी 21,000 रुपया दी ही, ज्यादा पैसा ना लिहल जाए, 21,000 रुपया दी ही तो ओकर खानदान के खानदान आई, अगर जे केहू ना रही तो ओकर नाम चलत रही और ये तरीका से ओकर सदस्य बनल रही। 11,000 रुपया ले जा खाली 11,000 आजीवन सदस्य बनाई जा, खाली 11,000 जे जितना करे सको सदस्य बन सकेला। एकरा खातिर कोनो जाति पाति धर्म और सब के थी नहीं खे, आस पास के जितना ये जी के आदमी बा काहे के ओमे खाली बाबा गणिनाथ जी के मूर्ति ये भा ये जी पिंड ना रही, ओमे गणेश जी के भी रही, महावीर जी के भी रही और भी ये जी के अथी के आधार पर ओमे मूर्ति बनावल जाए। जेमे लड़कन के ब्याह शादी होते हुए लड़की के ब्याह शादी होता ककन छोड़ावे के बात होता तो आकर के वो जी आकर के वो लोग वो जी पूजा पाठ कर सकेला और बाकायदा जे बा कि ना वो जी बढ़त रही। हमारे तो कहना ये बा कि आप सबे से निवेदन बा जेकरा घर में शादी ब्याह हुई वो 1,000 रुपया भोजपुरी एक मंच के दान स्वरूप दी मंच में 1,000। एकरा से का हुई कौनो गरीब दीन दुखी के घर में कौनो काम धंधा बा कौनो चीज शोक होखो चाहे लड़की के ब्याह नहीं के होता वो लोग के हमने का ब्याह शादी करवाई जा और वही पैसा से करवाई जा के उसे फिर अथी नहीं करो जा। एगो सहयोग हुई वो घर खातिर शादी ब्याह खातिर तो हमार का नाम बा कि रवा कोर्ट कचहरी में जा करके रजिस्ट्री शादी करवाई सरकार के मुहर लगी। पंडित जी के अगर जे रवा लेकर के शादी करवाओ तानी मंदिर में रवा शादी करवाई
तो हमनी के भवन के पैसा बाकी 4-5 लाख जोन लागता आ खियावे खातिर कैटरर के जोन बात होता तो अपन गांव घर के मेहरारू मिल करके या बरन मिल करके अगर जो खाना पीना बनैन आ सबके खेहन तो कैटरर के पैसा बाँच जाइए। एगो प्लेट के दाम 1000 रुपया, खाली तू पापड़ खा के वो जी रख दे तब 1000 वो पापड़वा के दाम हो गई। ऐसे यही से हमारे कहना बा कि हमने के भवन होके चाही एमे जेबा ब्याह शादी करे खातिर जगह हुई यही में जेबा कि ना राउरी भंसा घर हुई रसोई घर हुई और ये तरीका से रवा सबे हर प्रकार से हर समाज के आदमी के रवा सहयोग कर सकता नहीं। समाज के अर्थे होला सभे के हु समाज आओ आ जब तक एक दूसरा के रवा सहयोग ना करो तो बड़ लोग खाती हमार कहना मी रहेला बड़ लोग खाती याद रखब जे के वो अपना के बड़ समझता ओकरा खातिर साल भर में कह गो लड़की के तू शादी करवला हो गरीब के 4 गो लड़की के शादी तू करा दे तारे के हम 4 बार नमस्ते करो 3 गो लड़की के शादी करा दो तबो कह कि तू बड़का हो 1 गो लड़की के तो शादी करा के देख वो नहीं खेलो करा सक समाज कराई समाज पीछे लेके हटल सब खातिर आगे बढ़ी आ एकता के ये तो बहुत बड़ा मिसाल बनी काहे कि एरिया बहुत अच्छा बा आ उन्हें का अर्जुन मंदिर बनी तो ऐसे आज जे बा 11000 रुपया ले जा खाली 11000 आजीवन सदस्य बनाई जा खाली 11000 जे जतना करे सको सदस्य बन सकेला एकरा खातिर कोनो जाति पाति धर्म और सब के थी नहीं खे आस पास के जितना ये जी के आदमी बा काहे के वो में खाली बाबा गणिनाथ जी के मूर्ति ये बा ये वो जी पिंड ना रही वो में गणेश जी के भी रही महावीर जी के भी रही और भी ये जी के एथी के आधार पर वो में मूर्ति बनावल जाई जेमे लड़कन के ब्याह शादी होते हुए लड़की के ब्याह शादी होता ककन छोड़ावे के बात होता तो आ करके वो जी आ करके वो लोग वो जी पूजा पाठ कर सकेला और बाकायदा जे बा कि ना वो जी बढ़त रही। हमारे तो कहना में ही बा कि आप सबे से निवेदन बा जेकरा घर में शादी ब्याह हुई वो 1000 रुपया भोजपुरी एक मंच के दान स्वरूप दी मंच में 1000 एकरा से का हुई कौनो गरीब दीन दुखी के घर में कौनो काम धंधा बा कौनो चीज शोक हो खूब चाहे लड़की के ब्याह नहीं के होता वो लोग के हमनी का ब्याह शादी करवाई जा और वही पैसा से करवाई जा के उसे फिर अच्छी नहीं करो जा तो ये तो सहयोग हुई वो घर खाती शादी ब्याह खाती तो हमार का नाम बा कि रवा कोर्ट कचहरी में जा करके रजिस्ट्री शादी करवाई सरकार के मुहर लगी पंडित जी के अगर जे रवा लेकर के शादी करवाओ तानी मंदिर में रवा शादी करवाई तो हमनी के भवन के पैसा बाकी 4-5 लाख जोन लागता आ खियावे खातिर कैटरर के जोन बात होता तो अपन गांव घर के मेहरारू मिल करके या बरन मिल करके अगर जो खाना पीना बनैन आ सबके खेहन तो कैटरर के पैसा बाँच जाइए। एगो प्लेट के दाम 1000 रुपया खाली तू पापड़ खा के वो जी रख दे तब 1000 वो पापड़वा के दाम हो गई। ऐसे यही से हमारे कहना बा कि हमनी के भवन होके चाही एमे जेबा ब्याह शादी करे खातिर जगह हुई यही में जेबा कि ना राउरी भंसा घर हुई रसोई घर हुई और ये तरीका से रवा सबे हर प्रकार से हर समाज के आदमी के रवा सहयोग कर सकता नहीं। सिंगला बाजार में भोजपुरी एकता मंच की तरफ से पार्वतीय प्रदेश के सभी भोजपुरी भाषा भाषियों की एक जमघट यहाँ पर हुई और इसमें जो है एक भवन निर्माण और जिसमें उस जिस भवन में जो है प्रशिक्षण केंद्र चिकित्सालय और अनेकों प्रकार की जो है
यहाँ पर शिक्षा का केंद्र भी विद्यापीठ भी होगी और इस प्रकार से इस क्षेत्र के सर्वांगिक विकास को ध्यान में रखते हुए भोजपुरी एकता मंच यहाँ काम करेगी और संपूर्ण भोजपुरी भाषा भाषियों की यह एक ऐसी स्थल बनेगी जो कि पर्यटन के आधार पर भी जो पर्यटकों को आकृष्ट करेगी और यह क्षेत्र जो है विकास की कड़ी को जोड़ता चला जाएगा। इसके लिए यहाँ के भोजपुरी एकता मंच के जितने भी सदस्य हैं सबों को हमारी शुभकामनाएं हैं और सबों की शुभकामनाएं चाहिए जिससे कि यह भवन और साथ साथ में आस्था के जो धाम बने वह निरंतर प्रगति करता चला जाए। यह जो भवन बनने जा रहा है ऐतिहासिक भवन यहाँ पर निर्मित किया जाएगा और यही भवन जो है इसी प्रकार के जो है प्रयास हमारे सिक्किम में भी जितने भी भोजपुरी भाषा भाषी हैं उनके तरफ से किया जाएगा और अन्य जगहों में भी इस पार्वतीय पंचल में अंचल में जो है यह भवन निर्माण होती रहेगी जिससे कि हम हमारे जो प्रशासनिक सार केंद्रीय जो भी उद्देश्य हैं उसकी हम पूर्ण उसको हम पूरा कर सकें और यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को जो है अग्रसर कर सकें नए पथगामी बना सकें। इसके लिए जो है भवन का निर्माण हर जगह में किया जाएगा और सबों की शुभकामनाओं के साथ।